जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप एक फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 20,000 के आसपास है और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा फ़ोन लें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको इस वीडियो के थ्रू एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है कि आप 20,000 के अंडर कौन सा फ़ोन लेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और जितने भी फ़ोन आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, सभी में आपको बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे। कोई फीचर्स की कमी आपको किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। सभी फ़ोन्स में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ट्रूली 5G कनेक्टिविटी आपको सभी फ़ोन्स में देखने को मिलेगी। और मेरी कोशिश यही रही है कि आपको इस बजट रेंज के सबसे बेहतरीन फ़ोन्स आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएँ। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए बात करते हैं अपने सबसे पहले नंबर के फ़ोन की, जो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 65G। और इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 19,999। और काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ, एक यूनिक डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है, एक डिफरेंट लुक आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके फीचर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन में आपको 90Hz का सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। उसी के साथ 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। इस फ़ोन में आपको 8GB रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और इस फ़ोन में आपको 8GB का वर्चुअल रैम एक्सपेंड का भी ऑप्शन इसमें फ़ोन आपको मिलेगा। और प्रीमियम वेगन लेदर डिज़ाइन आप देख सकते हैं इस फ़ोन में आपको देखने मिलता है, जो कि इसके डिस्प्ले को और भी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है और एक प्रीमियम फ़ोन बनाने में काफ़ी सहयोग करता है। और इस फ़ोन में आपको 50MP का AI कैमरा मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। बेहतरीन फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, 8GB रैम आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 256GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप 1TB तक इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको रैम एक्सपेंशन का भी फीचर्स मिल जाता है, आप 8GB तक रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं इस फ़ोन में रियलमी नार्जो 65G। और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन, हमारे लिस्ट का सबसे नंबर वन का फ़ोन जो है। और जितने फ़ोन आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, सभी लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन हैं और सभी की यूज़र रेटिंग काफ़ी बेहतरीन है और सभी एक से एक बढ़कर फ़ोन है। आइए बात करते हैं अपने अगले नंबर के फ़ोन की, जो है वन प्लस की तरफ से वन प्लस नोट C3 Lite 5G। और जो इसका प्राइस है दोस्तों, वो भी आपको 19,999 खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको ये फ़ोन ईजिली मिल जाता है। और जैसा कि आप जान ही रहे, वन प्लस काफ़ी नामी ग्रामी ब्रांड है, लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं, इसे लेने में कभी झिझकते नहीं है, क्योंकि वन प्लस पे लोगों का काफ़ी भरोसा है। इसीलिए आज आपको मेरे लिस्ट में वन प्लस का फ़ोन दिखाई दे रहा है। इस फ़ोन में आपको 8GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, इस फ़ोन में आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाता है, यानी आप अपने रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं 8GB तक। और इस फ़ोन में आपको 108MP का रियर कैमरा मिल जाता है 3x लूजलेस जूम के साथ। इस फ़ोन के अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.72 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, यानी काफ़ी वाइड डिस्प्ले साइज़ आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। और 67W का सुपर वोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। और इस फ़ोन में आपको स्मूथ डिस्प्ले और प्रीमियम डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। सभी फ़ोन्स की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्मूथ रहने वाली है, सभी फ़ोन्स में आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और सभी फ़ोन्स में आपको लेग फ्री गेम एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अगर आप गेमिंग के लिहाज से फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो सभी फ़ोन्स आपके बजट के अनुरूप आपको दिख रहे होंगे, और सभी एक से बढ़कर एक। हमारे तीसरे नंबर के फ़ोन की बात कर लेते हैं, रेडमी नोट 13 5G। और जो इसका प्राइस है दोस्तों, वो है 19,999। काफ़ी लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है और इसका लुक जो है काफ़ी तगड़ा है। लुकिंग वाइज आपको किसी फ़ोन में किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ोन में आपको 8GB रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई फ़ोन में आपको लुक के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सभी में आपको लुक काफ़ी तगड़े देखने को मिलते हैं। प्रीमियम डिस्प्ले के साथ सभी फ़ोन आते हैं। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, सुपर इमर्सिव AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है और 5G कनेक्टिविटी आपको तो मिल ही जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है, सभी फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी स्लिमेस्ट काफ़ी थिनेस्ट फोन है। 2.6mm का सुपर स्लिम डिज़ाइन आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 108MP का रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आपको कोई फीचर की कमी किसी फ़ोन में दिखाई नहीं दे रही होगी, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा था। और
5 प्रोटेक्शन सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, यानी आपको इस तरह की कोई वरी करने की जरूरत नहीं अगर आपके हाथ से मोबाइल गिर भी जाता है तो। 93.3% का आपको सुपर थिन बेजल्स इस फोन में मिल जाता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जिसे हम कहते हैं, और काफ़ी बेहतरीन फोन, सभी फोन की यूजर रेटिंग काफ़ी बेहतरीन है। और हम वीडियो इसी मकसद से बनाते हैं ताकि आपको एक अच्छा और बेहतरीन फोन हम अपने वीडियो के थ्रू परचेज करवा सकें, जिससे आप लंबे समय तक बिना कोई रुकावट बिना कोई झंझट इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसे तो आपके ही खर्च हो रहे हैं और हमारे ये दायित्व बनता है कि हम आपको एक बेहतरीन बजट रेंज वाले वीडियो आपके लिए हमेशा लाते हैं, और आपको एक बेहतरीन वीडियो बेहतरीन फोन आपकी जगह परचेज करवाने में सहयोग करते हैं। Redmi Note 13 5G जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह के और भी बेहतरीन बजट रेंज के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को हिट करके सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह के और भी बेहतरीन आपके लिए फोन हम आपके लिए हमेशा लाते रहें अपने वीडियो के थ्रू। Redmi Note 13 जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, आइए बात करते हैं अपने चौथे नंबर की फ़ोन की, जो है Galaxy A15 5G। Samsung की तरफ से ये फ़ोन आता है और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन Samsung Galaxy A15 5G, और जो इसका प्राइस है दोस्तों वो है 19,499। और आप इसके लुक को देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन और प्रीमियम डिस्प्ले वाला फ़ोन, 8GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, वर्चुअल रैम का जो सपोर्ट है आपको इसमें 16GB का मिल जाता है, यानी आप अपने रैम को 16GB तक इजीली एक्सपेंड कर पाओगे। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, अगर डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो 6.5 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, यानी काफ़ी स्मूथ MediaTek Dimensity 16100 का प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, और लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 14 का भी सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 50MP प्लस 5MP प्लस 2MP का आपको कैमरा सपोर्ट इस फ़ोन में देखने को मिलता है। 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी। आइए बात करते हैं अपने अगले फ़ोन की, जो कि है ओप्पो की तरफ से ओप्पो A79 5G, और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन। इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 18,999, और इस फ़ोन में आपको 8GB रैम मिल जाता है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है आपको इस फ़ोन में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बात करते हैं इसके कुछ और भी धमाकेदार फीचर्स की, अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.72 इंचेस का डिस्प्ले साइज आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, 8GB रैम आपको इस फ़ोन में मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, और इस फ़ोन में आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है, 5000mAh की एक पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिल जाती है, और 33W का सुपर फोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और जो आप वर्चुअल रैम एक्सपेंड इसमें कर सकते हैं वो 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 50MP का AI कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, सभी फ़ोन्स की यूजर रेटिंग काफ़ी अच्छी है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह का और भी बेहतरीन बजट रेंज के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।